हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज हाउस फ्लाई, जिसको हम मस्का के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है, स्पीसीज अलग अलग है, कोई मस्का नेब्यूलो है, मस्का डोमेस्टिका है, मस्का इंडिका है। डिटेल में बात करेंगे आगे इसके बारे में भी। अभी हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन से हर बार कई क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखो, ये जो हाउस फ्लाई का टॉपिक है, हमारे TGT और PGT दोनों के ही कॉमन टॉपिक है। दोनों के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन हर बार हमें इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, आपने प्रीवियस पेपर में भी देखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इनको रखा गया है। क्लास होती है इंसेक्टा, ऑर्डर है डाइप्टेरा, और फैमिली हाउस फ्लाई की जो फैमिली है मस्किडी फैमिली है, और जिनस है मस्का। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी आती है जब आप लोग अच्छे फीडबैक देते हैं। क्योंकि देखो, मुझे बहुत जल्दी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो बस थोड़ा सा एफर्ट आप लोग दिखा दीजिए, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, वीडियोज़ को शेयर किया करो एंड लाइक किया करो। अब हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि इनका मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। जो मस्का डोमेस्टिका है, बेसिकली ये बहुत ही कॉमन हाउस फ्लाई है। जो मस्का डोमेस्टिका है यूरोप और अमेरिका की, ये बहुत ही कॉमन हाउस फ्लाई है जो मस्का डोमेस्टिका है। लेकिन जो हमारे इंडिया की हाउस मतलब स्पीसीज है हाउस फ्लाई की, वो है मस्का नेब्यूलो। कॉमनेस्ट इंडियन स्पीसीज इज मस्का नेब्यूलो, याद रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो इंडियन स्पीसीज है ना कॉमन हाउस फ्लाई की, वो कौन सी है, तो ये होती है मस्का नेब्यूलो। अब हम आगे बात करते हैं, जो हाउस फ्लाई है ये डायुर्नल होता है, यानी कि एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड टाइम, डे और नाइट दोनों में ही। ठीक है, द बॉडी जो होती है हाउस फ्लाई की, ये डिवाइड होती है, मतलब कि हेड में, थोराक्स में और एब्डोमन, तीनों ही तीन पार्ट्स में इनकी बॉडी। देखो, टोटल इंसेक्ट हमने जितने भी देखे हैं, हमने कॉकरोच देखे हैं, हाउस फ्लाई देखा है, और भी आर्थ्रोपोडा के कई सारे मेंबर जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, उनके बारे में सभी देखा है कि इनकी जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स में बटी हुई होती है, हेड, थोराक्स एंड एब्डोमन। अब हम हेड के बारे में अगर बात करें, मतलब सिर जो होता है इनका काफ़ी बड़ा सा होता है, जिसमें कि इनके अकॉर्डिंग एक्चुअल में तो हेड बड़ा है, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, उसमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, जो कि आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर है कुछ जेनेरा का। ठीक है, और हर एक कंपाउंड मतलब कंपाउंड आई में 4000 ओमेटिडिया होते हैं, 3 ओसेली होते हैं और 2 एंटीनी होते हैं। स्ट्रक्चर भी लिया है, आपको कन्फ्यूजन मत रहना कि ओसेली क्या होते हैं, ओमेटिडिया क्या होते हैं, आगे बात करेंगे। एंटीनी भी होते हैं जो कि नेचर में सेंसरी होते हैं। आगे हम लोग अगर बात करें, जो एंटीनी होते हैं हाउस फ्लाई के, वो 3 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि इनका जो एंटीना है वही 3 सेगमेंट में बटा हुआ होता है। जो बेसल स्कैप, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है एंटीने का, उसके स्कैप के नाम से जाना जाता है। मिडल को हम पेडिसल के नाम से जानते हैं, और टर्मिनल यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसको फ्लैजिलम के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो एंटीना है हाउस फ्लाई कितने सेगमेंट में है, कौन कौन से सेगमेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोराक्स के बारे में, जो कि मिड वाला पोर्शन था, हेड से नीचे क्या लाई करेगा, थोराक्स। थोराक्स जो होता है ये 3 सेगमेंट में बटा हुआ होता है, और इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। जो थोराक्स वाला रीजन है उसमें 3 जोड़ी पेयर हाउस फ्लाई के पाए जाते हैं, और 1 जोड़ी विंग यानी कि पर पाए जाते हैं। अब ये जो विंग है ये कहाँ से अराइज होते हैं, देखो जो थोराक्स है ये 2 पार्ट में, प्रो मीजो मेटा। ठीक है, तो जो मीजोथोराक्स यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है ना थोराक्स का, उससे विंग डेवलप होते हैं जो कि इनके फ्लाइट में हेल्प करते हैं। एंड अ पेयर ऑफ हेल्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो हेल्टर्स है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो याद रखना मीजोथोराक्स से क्या क्या डेवलप हुआ, मीजोथोराक्स से विंग डेवलप हुए हैं और 1 जोड़ी हेल्टर्स डेवलप हुए हैं। अब हेल्टर्स के बारे में बात करेंगे, हेल्टर्स जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, मेटाथोराक्स में, यानी कि मीजोथोराक्स के जस्ट नीचे मेटाथोराक्स है, मेटाथोराक्स के ऊपरी हिस्से पर ही हेल्टर्स पाए जाते हैं। ये जो हेल्टर्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, मेटाथोराक्स से डेवलप होता है इनका, लेकिन इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इनका जो फंक्शन होता है हेल्टर्स का, ये बैलेंसिंग ऑर्गन ड्यूरिंग फ्लाइट, यानी कि ये बैलेंस करने वाले ऑर्गन है इनके शरीर के। जैसे ही हाउस फ्लाई फ्लाइट करते हैं, मतलब जैसे उड़ रहे होते हैं ना, तो इनकी बॉडी को बैलेंस करने का काम हेल्टर्स ही करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी क्या है कि ये जो साउंड स्टिम्यूले होते हैं ना, उसको रिसीव करने का काम करते हैं। जो हेल्टर्स हैं एक तो बॉडी को बैलेंस कर रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ इनके बारे में कि जो साउंड स्टिम्यूली होती है इनको रिसीव करते हैं। एक बार मैं आपको ना हाउस फ्लाई का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, हालांकि सभी लोग हाउस फ्लाई को मतलब बहुत अच्छे से देखा होगा, सभी के घरों में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, ये देखो ये हाउस फ्लाई का पूरा स्ट्रक्चर है। मैंने बात की थी कि हेड, थोराक्स और एब्डोमन की बॉडी बटी हुई होती है। ये सबसे पहले आप देख रही हेड है, जिसमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट है। ठीक है, ये ओसेली है, देखो ये जो रीजन है ना ये कहलाता है ओसेली,
ये एंटीनी है जो कि नेचर में सेंसरी होते हैं, जो कि कितने सेगमेंट में बटी हुई थी एंटीनी भी, 3 सेगमेंट में। थोराक्स भी 3 सेगमेंट में है, प्रोथोराक्स, मीजोथोराक्स और मेटाथोराक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं मीजोथोराक्स से क्या डेवलप हो रहे हैं, मीजोथोराक्स से क्या डेवलप हो रहे हैं, मीजोथोराक्स डेवलप हो रहे हैं एक पेयर विंग्स के। और यहाँ मेटाथोराक्स पर ये पाए जाते हैं हेल्टर्स, जो कि क्या करते हैं, फ्लाइट में हेल्प करते हैं। तो मेटाथोराक्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये होते हैं फोर विंग और ये होते हैं हाइंड विंग। ये आगे वाले पर ही पीछे वाले पर होते हैं, और ये होता है स्क्वेमा फोर विंग का, ठीक है। आप यहाँ एब्डोमन देख सकते हैं, ये एब्डोमन है, ये कहलाता है एब्डोमन जो कि सेगमेंटेड है, और ये है टार्सस, और ये होते हैं इनके क्लॉज, और ये होते हैं पल्विलस। टोटल स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग बात करते हैं हाउस फ्लाई जो होते हैं, जैसे ये बैठते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउस फ्लाई जब लोग बैठते हैं तो इनके जो 3 जोड़ी पैर होते हैं, पैर कितने जोड़ी पाए, 3 जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं। तो जब ये बैठते हैं तो इनके सभी पेयर्स रेस्ट करते हैं जमीन पर। अब ये बात मैंने क्यों इंक्लूड किया यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउस फ्लाई और मस्कीटो में बैठने में क्या अंतर होता है। देखो जब मस्कीटो बैठते हैं ना, जो मेटाथोरासिक लेग होते हैं मस्कीटो के, तो ये ग्राउंड को टच नहीं करते हैं। लेकिन वहीं हाउस फ्लाई के केस में जब हाउस फ्लाई बैठते हैं तो तीनों ही जोड़ी पर जमीन पर रेस्ट कर रहे होते हैं। हाउस फ्लाई डिफर फ्रॉम मॉस्किटो इन हैविंग हाइंड लेग, यानी कि जो पीछे वाले पैर होते हैं ये जमीन पर रेस्ट करते हैं, जबकि मॉस्किटो के ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं माउथ पार्ट्स के बारे में। माउथ पार्ट जो होते हैं हाउस फ्लाई के, ये होते हैं स्पंजिंग टाइप। स्पंजिंग टाइप का मतलब समझ रहे हो, जो लिक्विड खाना होता है, थोड़ा सेमी लिक्विड भी होता है ना, उसको पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बिल्कुल कैसे खाते हैं स्पंजिंग टाइप करके, तो उसे कहा जाते हैं स्पंजिंग टाइप एडेप्टेशन जो होते हैं इनके माउथ के अडेप्ट करने का किसी भी फूड को। तो इनका जो माउथ पार्ट होता है वो सीधे डेवलप होता है कि ये शक करें, यानी कि एकदम शक करें लिक्विड को, थोड़ा लिक्विड भी शक करते हैं, सेमी लिक्विड, थोड़ा मतलब कि सॉलिड ना हो, सेमी लिक्विड टाइप हो, उसको भी ये इनटेक करते हैं। जो लेबियम होता है, इनके माउथ पार्ट में एक ऑर्गन है जिसको लेबियम के नाम से जाना जाता है, बहुत ही डेवलप होता है, जो कि किसका कंपोनेंट है, माउथ पार्ट का। ये बनाता क्या है लेबियम, ये प्रोबोसिस को फॉर्म करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर लिया है आगे, प्रोबोसिस जो होते हैं इसमें 3 रीजन पाए जाते हैं, जो प्रोबोसिस है इसमें 3 रीजन पाए जाते हैं। वो रीजन कौन कौन से हैं, रोस्ट्रम है, हाउस्टेलम है और लेबिलम है। प्रोबोसिस के ऑर्गन है ये। अब आप यहाँ एक बार स्ट्रक्चर देखो, ये माउथ पार्ट का स्ट्रक्चर है, ये ओसिलर प्लेट है, ये कंपाउंड आइज़ हैं, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी बड़ी से कंपाउंड आइज़ होते हैं, और ये एंटीनी प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो ये रोस्ट्रम है, हॉस्टेलम है, ये क्या बनाते हैं, ये प्रोबोसिस को फॉर्म करते हैं, प्रोबोसिस के स्ट्रक्चर हैं बेसिकली, रोस्ट्रम हुआ, हॉस्टेलम हुआ, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये प्रोबोसिस के ऑर्गन है। ये मैक्सिलरी पल्प है जो कि नेचर में सेंसरी होते हैं। ये स्यूडो ट्रैकी है जो कि किसमें लीड करते हैं, प्री ओरल अपर्चर में खुलते हैं, और ये होता है लेबिलम, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्यूडो ट्रैकी के बारे में। जो स्यूडो ट्रैकी होते हैं लेबिलम में पाए जाते हैं। जितने भी स्यूडो ट्रैकी होते हैं किसमें जाकर लीड करते हैं, जो प्री ओरल अपर्चर है ना, इसमें जाकर ये खुल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पूरा फूड चैनल होता है ये किस किस से बना हुआ होता है, लेब्रम से प्लस एपिफेरिंग से और हाइपोफेरिंग से बनकर ये फूड चैनल फॉर्म होता है। माउथ पार्ट जो होते हैं हाउस फ्लाई के, एक बात याद रखना कि माउथ पार्ट जो होते हैं हाउस फ्लाई के में मैंडिबल्स जो रहते हैं कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछा गया है इस पॉइंट से। हाउस फ्लाई जो होते हैं ये सेप्रोफेगस रहते हैं, यानी कि हर तरह के डेड ऑर्गेनिक सड़े गले खाने पर, हर तरह का खाना हो, फेशियल मैटर हो या फिर कोई मतलब कि रोटियां वगैरह हो, इन सब पर फीड करते हैं, तो उनको सेप्रोफेगस टाइप इनके वो कहा जाता है, क्योंकि भाई देखो हर तरह का जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उसको ही खा लेते हैं। हाउस फ्लाई फीड ओनली व्हेन फूड इज इन लिक्विड स्टेट। आपने कभी सॉलिड चीज के ऊपर, सॉलिड चीज जो होती है उसको खाते नहीं देखा होगा हाउस फ्लाई को, बिकॉज इनके माउथ के जो पार्ट होते हैं ना, उनका एडेप्टेशन इस टाइप का होता है कि वो उसी चीज़ को खा सकते हैं। भाई देखो हमारा एडेप्टेशन कुछ और तरह का, हम लोग पत्थर नहीं खा सकते हैं ना, तो माउथ पार्ट्स का जो एडेप्टेशन है ये डिपेंड करता है ना जेनेरा के ऊपर कि वो किस चीज़ को खा सकते हैं, किसको नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये सिर्फ लिक्विड स्टेट में रहती चीज़ तभी इंटेक करते हैं, क्योंकि माउथ पार्ट होते हैं स्पंजिंग और शकिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के फूड को इंटेक करेंगे। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, दैट इज लाइफ हिस्ट्री। इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है, यानी कि ब्रीडिंग अकर्स, इनमें जो ब्रीडिंग होगी वो कब होती है हाउस फ्लाई में, बहुत ही समर और रेनी सीजन में, जैसे कि मार्च से अक्टूबर तक का पीरियड होता है इनके ब्रीडिंग का, ठीक है। हाउस फ्लाई जो अंडे देते हैं वो कहाँ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि काउ डंग में, हॉर्स के मैन्योर में और ह्यूमन फेसिस में। यानी कि मेनली बात यह है कि फेशियल मैटर जो होता है एनिमल्स का, उसमें ये प्रीफर समझते हैं अपने अंडे को देने का पीरियड, ठीक है। नंबर ऑफ एग, जो अंडे देते हैं, ये जो फीमेल अंडे देती हैं हाउस फ्लाई जो होती हैं, कम से कम 500 से 600 ड्यूरिंग लाइफ स्पेन इन अ मंथ, एक महीने में कम से कम 500 से 600 अंडे दे देते हैं। इनके जो एग होते हैं बहुत ही शाइनी वाइट होते हैं, थोड़े से कर्व्ड होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं शेप में, और इनका जो एग से लार्वा तक का आने का पीरियड होता है ना, 12 से 24 घंटे में लार्वा को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने एग से। यानी कि एग जो रहता है ये हैच हो जाते हैं, एग से जो लार्वा निकलते हैं 12-24 घंटे में निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, एक नॉर्मल स्टेज पाई जाती है हाउस फ्लाई में,
जो कि डंग में रहती है। देखो मैंने बताया था कि अंडे कहाँ देते हैं, काउ डंग में, ह्यूमन फेशियल मैटर में वहाँ अंडे देते हैं। तो जब इनसे जो नॉर्मल एक स्टेज है जो कि हाउस में पाई जाती है, जब ये डंग में रहते हैं, मतलब कि उनका जो एग है, एग से लार्वल निकलेगा, तो एग से लार्वल कहाँ निकलेगा, जहाँ ये एग दिए वहीं तो निकलेगा, तो वो होता है, इनका लार्वा कहा जाता है मैगट। याद रखना इनका जो लार्वा है उसको मैगट कहा जाता है। अब ये मैगट जो होता है ये माउल्ट होता है, दो बार माउल्ट होता है, दो बार माउल्ट होता है बेसिकली। इसलिए हाउस फ्लाई के पास तीन लार्वा इंस्टार होते हैं, यानी कि जो लार्वा स्टेज होती है उसमें तीन लार्वा इंस्टार होते हैं बेसिकली। यानी कि लार्वा नहीं है, इंस्टार इनका लार्वा होता है। तो मैगट जो होते हैं बेसिकली दो बार माउल्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनका जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा है वो होता है माउल्ट का, मतलब माउल्ट आप लोग समझते होंगे बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट इंस्टार लार्वा जो होता है उसकी लेंथ होती है 2 mm इन लेंथ, जिसमें कि वो 13 सेगमेंट में बटा हुआ होता है। जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा होता है, जो फर्स्ट सेगमेंट है उसका, उसको कहेंगे श्यूडोसिफलॉन, जिसमें कि ओरल लोब्स भी पाए जाते हैं। जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा होता है ना उसमें एक जोड़ी पोस्टीरियर एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स होते हैं, इसलिए इसको मेटाप्न्यूस्टिक कहा जाता है। आपको अगर क्वेश्चन दिखे कि फर्स्ट इंस्टार लार्वा कैसा, तो वो होता है मेटाप्न्यूस्टिक टाइप, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एब्डोमिनल स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं, तो एक का मतलब मोनो समझ जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो सेकेंड इंस्टार लार्वा जो होता है, देखो टाइपिंग मेरा करेक्ट कर लेना, इंस्टार लार्वा जो होता है हाउस फ्लाई का, इसमें एब्डोमिनल और एक प्रोथोरासिक स्पाइरिकल पाए जाते हैं, इसलिए इसको एम्फीनिप्टिस्टिक कहा जाता है। अब बात करते हैं थर्ड इंस्टार लार्वा की। तो थर्ड इंस्टार लार्वा है ये, मतलब कि 6 से 12 mm तक का होता है लेंथ में, और थर्ड इंस्टार लार्वा जो होता है ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। पहले एग आया, एग से लार्वा हुआ मैगट, मैगट ने किसको कन्वर्ट किया, इंस्टार को, और इंस्टार जो लार्वा है किसमें फॉर्म होगा, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यूपा किसको बनाएगा, प्यूपा कन्वर्ट होगा इमेगो में। इमेगो क्या है बेसिकली, यंग वन ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के छोटे बच्चों को इमेगो कहा जाता है, ठीक है, जो कि विल कम आउट आफ्टर 4 to 5 days, जो कि 4 से 5 दिनों के अंदर बाहर आ जाते हैं, ठीक है, एग से। टोटल लार्वल पीरियड जो होता है हाउस फ्लाई का, लार्वल पीरियड जो होता है वो कम से कम 6 से 8 दिनों का होता है। हैचिंग ऑफ मैगट, मैगट का निकलना एग से, मैगट क्या है, लार्वा है, एग से मैगट निकला हाउस फ्लाई से, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है मेटामॉर्फोसिस का। मेटामॉर्फ समझते ही आप अच्छे से, मैंने कई बार कई जनरल पढ़ाई में जिक्र भी किया है इस चीज़ का। हाउस फ्लाई जो होते हैं ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं, होलोमेटाबोलिस टाइप, जैसे कि पहले एग आया, एग से लार्वा आया, फिर इंस्टार लार्वा आया, लार्वा भी 3 स्टेज में है, उसके बाद प्यूपा कन्वर्ट हुआ, प्यूपा से फिर अडल्ट इमेगो में होता है। तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, और जिसमें कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है जिन जनेरा में, उनको होलोमेटाबोलिस टाइप कहा जाता है। जैसे कि डिफरेंट स्टेजेस हैं हाउस फ्लाई के लाइफ में, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि एग से लार्वा बना, लार्वा कौन सा था, मैगट था, मैगट से फिर प्यूपा बना, फिर प्यूपा किसको फॉर्म करेगा, इमेगो को, इमेगो क्या एक एडल्ट है। हाउस फ्लाई जो है बेसिकली एक कर्स, यानी कि अभिशाप है हमारे ह्यूमंस के लिए, मतलब कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए भी एक शाप ही है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज स्प्रेड होती है हाउस फ्लाई के दौरान, ठीक है, क्योंकि एक सड़े गले चीज़ ऊपर बैठती हैं, फिर बीमारियाँ फैलाती हैं। जो डिजीज़ फैलती है ना हाउस फ्लाई से वो कौन कौन सी हैं, एंथ्रेक्स है, लेप्रोसी है, ये बहुत डेंजरस डिजीज़ है, बहुत पेन देती हैं, मतलब कि दिक्कतें हो जाती है, हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा बॉडी में, टाइफाइड, डायरिया, क्लोरेला, आप सभी इनके सिम्टम्स जानते होंगे, प्लेग, डिसेंट्री, गोनोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, और भी कई सारे डिजीज़ हैं, यहाँ मैंने कुछ ही मार्क्स किए हैं। तो हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। पूरा जो हाउस फ्लाई का सेशन था हम लोग ले चुके हैं, कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप पूरा सेशन लेते हैं मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा, क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।